हाथों में कशकोल जुबां पर ताला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। हाथों में कशकोल जुबां पर ताला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। शेर सुनिए। वो चाहता था कि कांसा खरीद ले मेरा कशकोल कांसा, वो चाहता था कि कांसा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया, अपने जीने का अंदाज निराला है। ओ अपने जीने का अंदाज निराला है। हाथों में कशकोल जुबां पर ताला है, अपने कशकोल जुबां पर ताला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। नजर करता हूं, सूफियाना अंदाज है। फकीरी में भी मुझको मांगने से शर्म आती है, अपने जीने का अंदाज निराला है। अपने जीने का अंदाज निराला है, अपने जीने। और सुनिए, साबरी हूं, एक सब्र है इसके सिवा कुछ पास नहीं है, बर्बाद तमन्नाओं का एहसास नहीं है, कमजर्फ नहीं हूं कि जो मैं मांग के पी लूं, और ये भी नहीं है कि मुझे प्यास नहीं है, बस अपने जीने का अंदाज निराला है। अपने जीने का अंदाज निराला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। मरे गए सारे नीरज, अपने जीने का अंदाज निराला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। हाथों में कशकोल, हाथों में कशकोल जुबां पर ताला है, हाथों में कशकोल जुबां पर ताला है। देखिए कैसे कहता हूं, शायद दिल खुश हो जाए। ताला को जरा सुनिए कैसे। हाथों में कशकोल, नजर करता हूं, हो गई कुव्वत एहसास यहां तक रुखसत। मेरे प्यारे दोस्तों, इंतहा के शेर सुना रहा हूं। हो गई कुव्वत एहसास यहां तक रुखसत, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। हाथों में कशकोल जुबां पर ताला है, ओ हाथों में कशकोल जुबां पर ताला है, हाथों में कशकोल जुबां पर ताला है। नीता पादा गामा गए सर, नीता पादा गामरे गए सर नी सफरे आए ता जुबां पर ताला है। जीने का अंदाज कैसे होता है, हाफ मिसरा रिपीट करना। हाथों में कशकोल जुबां पर ताला है, अपने जीने का अंदाज निराला है।
शेर तवज्जो चाहूंगा। आहट सी महसूस हुई है आंखों को, आहट सी महसूस हुई है आंखों को, आहट सी महसूस हुई है आंखों को। आप सब जानते हैं आहट कानों को महसूस होती है। आहट सी महसूस हुई है आंखों को, शायद कोई आंसू आने वाला है, शायद कोई आंसू आने वाला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। आहट सी महसूस हुई है आंखों को, आहट सी महसूस हुई है आंखों को आहट सी महसूस हुई है आंखों को, आहट सी महसूस हुई है आंखों को। नीदा पादा गामा गए सन भगम गए, आहट सी महसूस हुई है आंखों को, पागम रे सनी सदम पगम रे स गेरे गम पानी सा गम पानी, आहट सी महसूस हुई है आंखों को, सा दम गम गे सनी पगम पगम रे सरे नी सनी पानी रे गम रे नी सा, आहट सी महसूस हुई रे निधन रे गम रे गे निधन पाम रे सा, आहट सी महसूस हुई है गगन जनी जगे रे जनी जगे जगे रे जनी जनी बनी रे गम गम रे गम रे गे निधन सा, आहट सी महसूस हुई है। शायद कोई आंसू आने वाला है, अरे अपने जीने का अंदाज निराला है, कोई आंसू आने वाला है अपने जीने। इससे पहले कि महफिल इख्तिताम पज़ीर हो, मैं आप सबके लिए इस सोसाइटी के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह करे यूं ही प्यारी प्यारी महफिलें सजती रहें, और जैसे पड़ोस के फनकार यहाँ आकर एहसास पाते हैं, राहतें पाते हैं, खुदा उनको भी ये तौफीक अता करे कि 60 बरस में यहाँ के भी फनकारों को वहाँ परफॉर्म करने का मौका दें। हमें इल्ज़ाम देते हैं हमारा इतना बड़ा दिल है कि मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती, सच्चाई है कि वहाँ के फनकारों का हिंदुस्तान पे गुजारा है, वो भी अपना दिल बड़ा करें। मैं अभी 1.5 साल पहले अपने परिवार से मिलने गया तो एम्बेसी में मुझसे लिखवाया है कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, मैंने लिख के दिया मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। यार सोचो कोई बात है, नो डाउट ये हिंदुस्तानी है। कोई बात है, ये देश वो देश है, मैं तंज नहीं कर रहा हूं उन लोगों पर, यही वो देश है जहां लता जी हैं, यही वो देश है जहां भीमसेन जोशी जी हैं, यही देश है जहां मेरे नाना अब्दुल करीम खान साहब हुए, अब्दुल वहीद खान साहब हुए, बड़े अमीर खान साहब हुए। ये देश कोई संगीतकारों से खाली है? अभी तो सारी उम्र सिखाएंगे, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हर फन के मौजूद हैं, और इतना बड़ा दिल है यहाँ का कि लोगों ने घर बना लिए यहाँ। और हमारा दिल देखिए कि हम नवाज रहे हैं, सर आंखों पर बिठा रहे हैं, और हमसे लिखवाते हैं कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे वहां। अपने जीने का अंदाज निराला है, अपने जीने का।
मैं एक वाक्य सुनाना चाहूँगा क्योंकि ये महफिल इसी वजह से सजाई गई है। सुनिए आप डॉक्टर साहब, 1979 की बात है, मैं बाबा फरीद गंजी शकर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में सलाम करने गया था। तो मुझे वहाँ के मेराज खालिद साहब, जो उस वक्त चेयरमैन होते थे रेडियो पाकिस्तान के, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट मिस्टर मनोबर हुसैन चीमा की गाड़ी में बिठा कर मुझे वहाँ भेजा गया। जस्टिस शमीम कादरी साहब ने भेजा, वरना मुझे उस एरिया में जाने की भी इजाज़त नहीं थी जहाँ रेडियो पाकिस्तान है। मजिस्ट्रेट साहब मुझे लेके गए, मेराज खालिद साहब से मिलाया। कितने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, और अल्लाह पाक ने मुझे क्या शऊर और क्या इस धरती से मुझे प्यार दिया है वो आप सब सुनिए मेरी बात। रिकॉर्डिंग की बात आई, उन्होंने अपनी मजबूरी बताई, मैंने पता उनसे क्या कहा कि खालिद साहब मैं भी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरे मुल्क की तौहीन हो। अपने जीने का अंदा निराला है, अपने जीने का अंदा निराला है, अपने जीने का अंदा निराला है, अपने जीने का अंदा निराला है। दो तीन शेर अर्ज करता हूं, तवज्जो चाहूंगा। अमीरे शहर का रिश्ते में कोई कुछ नहीं होता, गरीबी चांद को भी अपना मामा मान लेती है। अमीरे शहर का रिश्ते में कोई कुछ नहीं होता, गरीबी चांद को भी अपना मामा मान लेती है। मोहब्बत करते जाओ बस यही सच्ची इबादत है, मोहब्बत माँ को भी मक्का मदीना मान लेती है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। जहीन हजरात बैठे हैं, माँ की आंखें दरे मस्जिद की तरह खुलती हैं, माँ की आंखें दरे मस्जिद की तरह खुलती हैं, वरना हर आंख बस एक फर्ज अदा करती है। माँ की आंखें दरे मस्जिद की तरह खुलती हैं, वरना हर आंख बस एक फ़र्ज अदा करती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि जब भी कश्ती मेरी, ये हकीकत कह रहा हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है, सब मेरे करीब के लोग जानते हैं, मैं कभी ज़िंदगी में ख्वाब में भी झूठ नहीं बोलता, सब लोग वाकिफ़ हैं इससे, ये खुदा का बड़ा रहम है मुझ पर। शेर सुनिए, ये हकीकत मेरे साथ होता है, हर रोज़ होता है, हर वक्त होता है जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, कि जब भी कश्ती मेरी, अल्लाह की कसम मुझे ये पता ही नहीं चलता मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सामने है। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। अपने जीने का अंदा निराला है, अपने जीने का आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ, आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ, आज कसम से तुम भी छत पर आ। भाई दो तीन शेर, ये स्लिप आ गई है टाइम की, आप फटाफट सुन लीजिए। आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ, फजले खुदा से अब है उसे 14वां बरस, पूरा है चांद, चांद का टुकड़ा नहीं रहा, और चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। और चांद के शौक में तुम छत पे ना जाना, वरना शहर में ईद की तारीख बदल जाएगी। आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ, जो होना है वो हो जाए, आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ, जो होना आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ, आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ, थोड़ी देर में चांद निकलने वाला है, अपने
में जीने का अंदाज निराला।